पैसे कहाँ से आए हैं? नहीं, आपसे दीक्षा लेंगे। अरे पागल, देखो हमको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, हम क्या भजन करते हैं, ढोंगी है कि पाखंडी है, क्या भजन करते हैं, उनको क्या देंगे, उनको क्या चाहिए, उनको संसार सागर से मुक्त कर सकते हैं? ये मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। हम जैसे साधु के पास आने से क्या मिलेगा? प्रपंच मिलेगा और क्या मिलेगा? ये मानव रूपी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में परमार्थ रूपी फसल उगाने के लिए तीन वस्तु चाहिए। एक उत्तम बीज, माने उत्तम गुरु से प्राप्त, परंपरा से प्राप्त मंत्र, जहां तहां से कान फुकाने से वो होगा नहीं, बीज होने से होगा नहीं, उत्तम बीज। क्षेत्र, संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार। जे संग तंत गतम पापं जननं पुण्य कर्मणं ते दंदर्मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। बोलता वो हमको दृढ़व्रत से भजन कर सकते हैं, सब कुछ कर नहीं सकते हैं, चेष्टा करने से होगा नहीं। जे संग अंतगतम पापं, मन मन में जो पाप प्रवृत्ति है ना, दंदमोह ते संग दंदमोह विमुक्त, दंदमोह से मुक्त हो गया है, मोह संग से, मोह सान्निध्य से मन निर्मल हो गया है, वही व्यक्ति हमको दृढ़ व्रत के साथ हमारे भजन कर सकते हैं। जिसंग तंतगतं पापं जननं पुण्य कर्मणं ते दंदर्मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। सब कोई थोड़ी कर सकते हैं, है ना? तो उत्तम क्षेत्र होना चाहिए, पात्र उत्तम होना चाहिए। ऐसा नहीं हम पात्र थे नहीं, आप पात्र हो नहीं सकते, ऐसे नहीं है। महर्षि सान्निध्य में रह करके महत् संग करने से, महत् कृपा से उत्तम पात्र, अधम पात्र भी उत्तम पात्र बन जाते हैं। ऐसे हमारे भक्तमाल खोल के देखिए, बड़े बड़े पापी दुरात्मा वो भी महान पुरुष बन गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। ऐसा नहीं, लेकिन भगवत अंश है ना, भगवत कृपा करते हैं तो क्षिप्रंग भवती धर्मात्मा। ऐसा नहीं, जो पापी है, अति दुराचारी है, वो भजन कर नहीं सकता है न, क्षिप्रंग भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। ऐसे महत्पुरुष संघ में रह करके भजन प्रयत्न से हो जाता है। तो भूमि, अब भूमि बीज हो गया, भूमि भी ठीक है, अच्छा है भजन, लेकिन भजन ध्यान धारणा कुछ करती नहीं है, माने परिचर्या नहीं है, है? जैसे हमारा बीज हो रहा है तो गाय भैंस खाना जाए, बकरी उकड़ी खाना जाए, देखभाल करना पड़ता है। ऐसे ही अपराध आदि जो है, ये सब आकर के हमारे भजन जीवन को चौपट करना दे। अपराध से बचना पड़ेगा, किसी का निंदा से बचना पड़ेगा, किसी का हिंसा देश से बचना पड़ेगा, विषय वासना से मुक्त होना पड़ेगा, विषय लोगों का संग से दूर रहना पड़ेगा। यह है परिचर्या। हम भजन ले लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, क्षेत्र भी अच्छा है, लेकिन हम साधन भजन ध्यान धारणा उपासना कुछ करते नहीं है, ये परिचर्या नहीं करते तो भजन कैसे होगा? तीनों चाहिए। उत्तम बीज माने गुरु कृपा, महत्पुरुष की कृपा चाहिए, दो नंबर है उत्तम क्षेत्र, महत् संग से जिसकी चित्त वृत्ति निर्मल हो गया है, ऐसे क्षेत्र नहीं है तो तैयार करना पड़ेगा, महत् सान्निध्य में रह करके, महत् अनुगत्य स्वीकार करके, महत् सेवा में रह करके उपदेश करेंगे, तुम्हारा अंदर ये दोष है, तुम्हारा अंदर ये दोष है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो धीरे धीरे अनुशीलन के द्वारा धीरे धीरे चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे चित्त निर्मल हो जाता है, फिर भक्ति जो कल्पतरु जो है वो उग जाता है। परिचर्या, साधन भजन, अखंड नाम संकीर्तन, जप तप आराधना, स्तव स्तुति वंदना, ये है परिचर्या, तीनों चाहिए। तो दीक्षा है वो बीज, है ना, वो बीज, जहां तहां कान फूकने से कुछ काम नहीं होगा। कहीं आजकल तो क्या है, ये हमारे पास ही आया है, पैसे कहाँ से आए हैं? नहीं, आपसे दीक्षा लेंगे। अरे पागल, देखो हमको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, हम क्या भजन करते हैं, ढोंगी है कि पाखंडी है, क्या भजन करते हैं, उनको क्या देंगे, उनको क्या चाहिए, उनको संसार सागर से मुक्त कर सकते हैं? ये मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। हम जैसे साधु के पास आने से क्या मिलेगा? प्रपंच मिलेगा और क्या मिलेगा? तो ऐसा है, ऐसे ऐसे ही सब दीक्षा प्राप्ति है, मंगल कामी है, ऐसा थोड़ी होता है। सद्गुरु प्राप्ति के लिए
परिपृष्ट के सान्निध्य में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तद विद्य प्रणिपात परिपृष्ण सेवया उपदीक्षंति ते गणगणिना तत्वदर्शिना। तद विद्य प्रणिपात, पहले महत्पुरुष के सान्निध्य में जाओ, तुमको जिसको अच्छा लगे, ये महत्पुरुष है, तुम्हारे ऐसे विश्वास है, धारणा है, तो पहले उनके सान्निध्य में देखो, उनके रहनी देखो, क्या वो भजन करते हैं ना ढोंगी है, क्या वो पैसा का लालच में घूमते हैं, क्या धन दौलत लालच या मान मर्यादा पूजा प्रतिष्ठा ये लाभ के लिए घूमते हैं, ढोंग दिखाते हैं, हम जैसे दूसरे को दिखाते हैं बड़े साधु हैं, साधु ऐसा थोड़ी होता है।